तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसी एक्सेल सीट पे जो डेटा है उसको किस तरीके से हम जेपीजी में या इमेज में कन्वर्ट करें। ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा है और मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा आपको बात बता दूं। तो चलिए शुरू करें। यस सर। तो जाहिर सी बात है हम एक एक्सेल पे एक छोटी सी फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, एक नई एक्सेल पे जाते हैं, नई फाइल पे, ठीक है। शीट वन शीट टू हमने बनाया और एक छोटा सा फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूं, जैसे कि डेली सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, छोटा सा एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं मैं। यस सर। इसी को मुझे जेपीजी में कन्वर्ट करना है जो कि है A1 से लेके J19, ठीक है। यस सर। तो चलिए डेवलपर में चलते हैं, विजुअल बेसिक, और कौन सा ये फाइल है हमारा, ये फाइल है Book 4। तो हम Book 3 को हटाते हैं, Book 1 को भी छुटा देते हैं, Book 4 इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट TRT_IM_image ओपन क्लोज। ओके, सबसे पहले हम करते हैं dim, एक आई एज ए इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, dim सी एज ए ऑल्सो इंटीजर, फिर dim एज ए सैप, फिर सिम चार्ट सीएचसीआरटी चार्ट एज ए चार्ट या सी एज ए चार्ट कर देते हैं। सर ये सब वेरिएबल्स है पी? जी हाँ जी हाँ जी वेरिएबल्स है। ओके ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए बोले थे ना कि हम जो है रेंज भी ले सकते हैं, वर्कबुक ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, पिवट टेबल ले सकते हैं। यस यस ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले तो अपना जो रेंज है, ये जो रेंज है इसको कन्वर्ट करना होगा मुझे, तो सिलेक्शन लेते हैं, जिस सिलेक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, इमेज में। तो यहां लिखते हैं सेल सिलेक्शन बाद में करते हैं, रेंज दे देते हूँ, इसको चेंज कर दूंगा सिलेक्शन से, डॉट कॉपी पिक्चर।
और फिर इसमें हमें देना है एस्कल स्क्रीन कॉमा, यहाँ पे पिक्चर कर देते, बिट मैप में पिक्चर कर देता हूँ, ठीक है। और ओके रेंज के जगह पे मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया सिलेक्शन। ओके तो इसने क्या किया, सेल नहीं होगा सेल्स होगा। हाँ, ये क्या करेगा कि आपका ये जो एरिया है इस एरिया को इमेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं वापस शीट टू पे आता हूँ, शीट टू डॉट सेप्स, नहीं है तो शीट टू ऐड कर लीजिएगा, डॉट एड चार्ट, एड चार्ट होगा, एड चार्ट। फिर हम सी टू में जाएंगे, सी टू डॉट एक्टिवेट, सी टू डॉट सेप्स डॉट आइटम, इसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट सिलेक्ट। ओके अब हम करते हैं सेट, यहाँ पे सेट सी टी इक्वल टू एक्टिव चार्ट और सी टी डॉट पेस्ट पेस्ट, फिर सी टी डॉट इसको एक्सपोर्ट करना है हमको, सी टी हो गया, सी टी डॉट XPOT एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमें पाथ देना होगा कि किस में करना है। तो मान लीजिए हम इसको करते हैं इस फॉर्मेट में, स्लैश 1.jpg, मिला इस कोड में गड़बड़ होगा। हाँ, एक्सपोर्ट बड़ा सही, एक बार करके अंदर के देखो। दिन सी, यहाँ सी टी करेगा, सी इज अ वर्ड, हाँ ठीक है मेथड डेटा मेंबर नॉट फाउंड, सी टी वन डॉट सिलेक्शन, सिलेक्शन का जगह पे रेंज दें, तो सिलेक्शन में कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा लग रहा है, A1 से लेके J18, A1 से लेके J18। 18। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा गलतियां हो सकती है मुझसे। सेल होगा क्या इसमें, सेल इक्वल टू, हाँ सेल्स इक्वल टू कितना है। अब सही है, सेल्स सेल्स में हो, सेल होगा, यहाँ देखिए आ गया 1.php। हाँ, ये जी जेपीजी फाइल बन के आ गया। अब समझिए कोड को, ठीक है, कुछ गलतियां थी हमारी, कुछ चीज छोड़ दिया था हमने। सबसे पहले तो यहाँ मुझे ये मैं चाहता हूँ सिलेक्शन पे हो, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ सिलेक्शन पे हो, ठीक है।
तो हम सबसे पहले अपने इस ए रेंज को सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? सिलेक्शन में कन्वर्ट, इसको वन बाय वन ऐड करते सबसे पहले। अच्छा, सिलेक्शन नहीं लेता है सर, तो इसमें सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं सिलेक्शन डॉट एड्रेस, ठीक है? ओके तो अब करते हैं एफेक्ट। तो इसने क्या किया, जो सिलेक्टेड डेटा है, जो हमारा यहाँ सिलेक्टेड है, इसकी एक पिक्चर बना दिया, ठीक है? और पिक्चर बनाई कहाँ पर रख रखा है, सेल में रख रखा है। सेल एक तरह का ये ऑब्जेक्ट होता है, इसमें रख रखा है। फिर ठीक है। हमने किया सी टू डॉट एड चार्ट, राइट? तो सी टू पे, जो सी टू है, इस पे इसने एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट किया, राइट? ओके फिर वापस सी टू पे गया, फिर अब वो ब्लैंक चार्ट इसने क्रिएट कर रखा है, तो उस चार्ट को सिलेक्ट भी करना है, क्योंकि पिक्चर जो है डायरेक्ट हम इससे नहीं ले आ सकते, हम चार्ट को एज ए पिक्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ चार्ट को एज ए पिक्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट चार्ट को, इसको नॉर्मल डेटा को नहीं कर सकते। तो हमने एक चार्ट इंसर्ट किया, फिर हम उस सीट पे गए। अब उस चार्ट को यहाँ पे हम एक्टिवेट सीट टू पे चार्ट को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि सिलेक्टेड नहीं है ना, तो ए लाइन क्या करेगा, चार्ट को सिलेक्ट करेगा। इसने चार्ट को सिलेक्ट किया, कर लिया। ओके सर अब इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो यहाँ सीटी डॉट चार्ट किया था, हमने उस एक्टिव चार्ट को इसके ऊपर सेट कर दिया। फिर अब जो हमने सेल कर रखा है, सेल क्या पता आपको सर, इसने पूरे डेटा को कॉपी पिक्चर करके किस में रख दिया, क्लिपबोर्ड में रख दिया। अब क्लिपबोर्ड यहाँ पे होम पे देखेंगे तो इसने क्लिपबोर्ड पे रख रखा है, दिख रहा है सर, अच्छा ओके क्लिपबोर्ड पे रख रखा है। अब यहाँ पे हम जस्ट पेस्ट मारेंगे, तो जो क्लिपबोर्ड में होगा वही पेस्ट होगा ना सर। हाँ तो हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो किस पे पेस्ट हुआ, तो पेस्ट हुआ हमारा चार्ट के ऊपर, ठीक है? चार्ट के ऊपर पेस्ट हो गया ना। अब फिर इसको एज ए जेपीजी हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है हाँ सर, ये जो डीम पी एज अ रेंज हम एज अ शेप यूज किया ना, इसका हाँ पी का यूज फिर आया नहीं ना? ये इसका यूज था, इसका यूज होता है। मैं आपको नहीं, इसमें नहीं बताया हुआ है। अब जैसे मुझे बार बार पिक्चर बनानी है, ये तो वन टाइम रन करेगा ना, सेकेंड टाइम पे रन करने से पहले मुझे इसको डिलीट करना होगा ना। ओके तो एक और, ये मैंने गलती से लिख दिया, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसको बताया था, उसमें मैंने यहाँ पे लूप लगाया था और बोला था जितने भी इमेजेस है उसको डिलीट कर दे। यहाँ पे देखिए, आई थिंक बुक वन में होगा मॉड्यूल का एरर, दिख रहा है? हाँ हाँ नहीं, बुक वन में नहीं है, बुक बुक फोर, ऐसा डिलीट कर दिया मैंने सर, माफ कीजिएगा। तो इस इमेज को डिलीट करने के लिए हमने किया हुआ था, ओके ठीक है? ओके सर समझ गया? यस सर तो आप इसको तैयार कीजिए अपने अपने यूजेस पे, अपने जो यूज है इसके ऊपर डिपेंड कीजिएगा, ठीक है? इसको यूज कीजिए। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर जो पेस्ट हो रहा है जेपीजी में, इसको डायरेक्टली ईमेल में डाल सकते हैं कि मतलब वो सीधा यहाँ से जेपीजी करके ईमेल में मेल बॉडी के। ईमेल में हाँ डालने के लिए आपको मैंने एक लिंक दिया था, याद होगा? यस सर यह था। उस लिंक पे देखिए ना, इमेज पे डालने का प्रोसेस अलग है, ओके ओके सर ठीक है? ओके ओके ऐसे सेम वो इमेज को फिर वर्ड में डालना हो तो वर्ड फाइल में। हाँ, वर्ड के तो अलग है, कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, वो चीज अलग है सारा, कि उसको अलग एप्लीकेशन का एक्सेस करना है, वर्ड को एक्सेस करना पड़ता है ना सर, ओके 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 ठीक है? सर ओके, बाय, मिलते हैं कल सम टाइम। श्योर सर थैंक यू।